A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के अजीबोगरीब तरीके से बीमार होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अब तक 2 दर्जन से अधिक छात्राएं अचानक बेहोश हो चुकी हैं। यही नहीं, ज्यादातर छात्राएं तो अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिलने पर मेडिकल टीम हॉस्टल पहुंची, लेकिन जब टीम के डॉक्टरों ने यहां के हालात देखे तो उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि छात्राओं को ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन सभी कुछ नॉर्मल है। इसके बावजूद इन छात्राओं की हालत किसी गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्त मरीज के समान है। तो क्या किसी जादू टोने का शक है? क्या हॉस्टल की छात्राएं मानसिक रूप से बीमार हो रही हैं? हालांकि मेडिकल ने जब कुछ बच्चियों से बातचीत की तो बच्चियों ने हॉस्टल प्रबंधन पर सही भोजन न देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। इसी को बच्चियों के बीमार पड़ने का बड़ा कारण माना जा रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर सरई तहसील में स्थित सरकारी माध्यमिक गर्ल्स हॉस्टल में 50 छात्राएं रहती हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर छात्राएं शनिवार देर शाम से अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं। कुछ छात्राएं काफ़ी तेज़ रो रही हैं तो कुछ चिल्ला रही हैं, कुछ बेहोश अवस्था में है। इसी बीच हॉस्टल प्रबंधन की ओर से फूड पॉइजनिंग की आशंका जताते हुए सरई से मेडिकल को बुलवाया गया। सूचना मिलते ही पहुंची मेडिकल टीम ने जब हॉस्टल की छात्राओं की हरकतें देखी तो उनके होश उड़ गए। जिस तरह की हरकतें छात्राएं कर रही थी उससे किसी जादू टोने का संदेह हुआ। डॉक्टरों ने सभी का मेडिकल चेकअप कराया तो सभी की हालत सामान्य मिली, जिससे चिकित्सकों को मानसिक बीमारी की आशंका है। प्राथमिक उपचार से कुछ छात्राएं ठीक होती तो दूसरी अपने बाल नोचने लगती और चिल्लाने लगती। छात्राओं के उपचार में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिलने पर सरई टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई। प्रबंधन के अनुसार छात्राएं इस तरह की हरकतें करीब 1 महीने से कर रही हैं। वहीं बच्चियों को घर में कोई तकलीफ नहीं है, वे हॉस्टल आते ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं, घर जाने के बाद ठीक भी हो जाती हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इन्हें किसी तरह की मानसिक बीमारी है। छात्राओं के उपचार में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिलने पर सरई टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई। प्रबंधन के अनुसार छात्राएं इस तरह की हरकतें करीब 1 महीने से कर रही हैं। वहीं बच्चियों को घर में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब वे हॉस्टल आती हैं तब वे अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं, घर जाने के बाद वे पुनः ठीक हो जाती हैं। बताया गया है कि इन्हें किसी तरह की मानसिक बीमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa.